बढ़ियागढ़ के सरिया मार्ग पर विराजमान मां विंध्यवासिनी मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के प्रसंग पर श्रोता भाव विह्वल होकर झूम उठे। कथावाचक रामस्वरूप गर्ग ने अपने प्रेरक उद्बोधन में बताया कि जब जब संसार में पापाचार बढ़ता है, अन्याय और अत्याचार की वृद्धि होती है, तब करुणा के सागर भगवान संसार को तारने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का प्रसंग होने से गुरुवार को कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह का वातावरण था। जैसे ही कथावाचक ने कन्हैया के जन्म की घोषणा की, वैसे ही श्रद्धालुगण कृष्ण भक्ति में भाव विभोर हो उठे। वासुदेव जी टोकरी में कृष्ण रूपी बालक को लेकर पहुंचे तो भक्त दर्शनों को आतुर होने लगे और बालक को निहारने के लिए सभी मंच की ओर खिंचे चले आए। इसके बाद जब भजनों का सिलसिला शुरू हुआ तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी नृत्य में झूम गए।